Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalam ala rasulihil kareem amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shahli shadri wa yashalli amri wa hlul uqdatan bil lishani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma rabbi zidni ilma. आज के इस बज़्म सईद में मेरी तकरीर का उन्वान है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदारों में तबलीग कैसे किए। जब इकादिका अफराद को खामोशी से इस्लाम की दावत देते हुए 3 बरस गुजर गए, कुरैश और दूसरे कबीलों के कुछ अच्छे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और यूं इस्लाम की एलानिया तबलीग के लिए हालात में थोड़ी सी गुंजाइश हो चली, तो अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अब आप अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को डराएँ, फिर जो ईमान लाए और आपके पैरोकार बन जाए उनके लिए अपना बाजू झुकाए रखें, और जो आपकी बात ना माने और आप उनसे अपने लातअल्लुकी का ऐलान कर दें। इस हुक्म पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे नज़दीकी कराबतदारों यानी बनू हाशिम को इकट्ठा किया। इनके साथ बनू मुतल्लिब के भी कुछ आदमी थे। आपने उनके सामने अल्लाह की हमदो सना की, उनकी वहदानियत की शहादत दी, फिर बड़े अच्छे अंदाज में उनके लिए अपने अखलास का इजहार किया और अल्लाह वहदहू ला शरीक की कसम खा कर बतलाया कि मैं तुम्हारे लिए खुसूसन और तमाम इंसानों के लिए अमूमन अल्लाह का रसूल हूँ, और अल्लाह की कसम तुम लोग इसी तरह मर जाओगे जैसे सोते हो, फिर इसी तरह उठाए जाओगे जैसे जागते हो, उसके बाद तुमसे तुम्हारे आमाल का हिसाब लिया जाएगा और भलाई का बदला भलाई से और बुराई का बदला बुराई से दिया जाएगा, फिर या तो हमेशा जन्नत होगी या हमेशा के लिए जहन्नम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर सब ने नरमी से गुफ्तगू की। सिर्फ आपके चचा अबू लहब ने कहा कि उसका हाथ उससे पहले पकड़ लो कि अरब उसके खिलाफ इकट्ठा हो, वरना उस वक्त अगर उसको उनके हवाले करोगे तो जिल्लत उठाओगे और अगर इसे बचाना चाहोगे तो मारे जाओगे। मगर आपके चचा अबू तालिब ने कहा कि तुम्हें जो हुक्म मिला है इसे कर गुज़रो, वल्लाह मैं मुसलसल तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारा बचाव करूँगा। अलबत्ता मेरा जी नहीं चाहता कि मैं अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ दूँ। आखिर मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस्लाम की समझ अता फरमाए और हम तमाम को इस्लाम पर मजबूती से कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए और हमें कहना सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।